जीवन यापन के लिए हम इस संसार में बहुत सारे कर्म करते हैं, लेकिन कुछ कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं और कुछ कर्म पुण्य की श्रेणी में आते हैं। कितनी बार हम ये जानना चाहते हैं कि पाप और पुण्य क्या है, कैसे पाप कर्म की सजा मिलती है, यह सब बेकार की बातें हैं। क्या पाप इंसान के जीवन में कोई बदलाव लाता है, या अच्छा काम करने से उसके जीवन में कुछ बदलाव आता है, या पाप और पुण्य को कैसे समझा जाए? चलिए आज एक कहानी के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये कहानी है एक व्यक्ति की जो अपने गांव में चोरी किया करता था। वो आसपास के जंगल में जो भी व्यक्ति गुजरता था वहां से उसको लूटने का काम करता था। उनको लूटकर वो अपने घर का पालन पोषण किया करता था। मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूटकर वो बहुत खुश महसूस करता था, और कितनी बार अगर उसे लगे कि कोई खतरा है तो वो उन्हें मारने से भी कतराता नहीं था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और एक बूढ़ा बाप रहा करते थे। जब वो चोरी डकैती करता तो वो अपने पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ चीज खरीद कर जरूर ले जाता, और उसका पूरा परिवार भी ये बात जानता था कि वो एक डकैत है और ये सारी चीजें चोरी और डकैती से ही लाता था। एक दिन उस व्यक्ति ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वो बूढ़ा आदमी उस चोर के आगे बड़ा गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने कहा कि पैसे वो उसको कभी नहीं देगा। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि पैसे उसने उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव के बनिए से उधार लिया है, कृपया कर वह उससे ना लूटे, वरना वो अपनी बेटी की शादी तो नहीं कर पाएगा और बहुत ज़्यादा गहरे कर्ज में डूब जाएगा। लेकिन इस बात से भी उस चोर का दिल नहीं पिघला, इसलिए उसने उस बूढ़े व्यक्ति को धक्का मार दिया और सारा पैसा छीन कर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसके पिता ने उससे पूछा कि आज कहां से आ रहे हो। तब उसने बताया कि आज उसने एक बूढ़े व्यक्ति के पैसे को लूटा है जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। तब उस चोर के पिता ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा, तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब वो अपने बाप पर नाराज हो गया। उसने कहा कि आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं करती, क्योंकि आपने मुझे चोरी सिखाई है, डकैती सिखाने वाले भी तो आप ही हैं, अब आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तब उसके पिता ने रोते हुए कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही ये पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रास्ता गलत है तो मैंने भी अपने बुरे काम करने छोड़ दिए, और तुमसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को छोड़ दो, नहीं आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन उस चोर ने उनकी एक बात नहीं सुनी और अपना बुरा काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्ते में चिपकर बैठ गया। वहां पर एक जोड़ा नया नया शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना कर दिया तब उस चोर को बड़ा गुस्सा आया। उसने दूल्हे को अपने चाकू से मार दिया और दुल्हन से बोला कि अब ये मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का है, अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया, लाओ इस मंगलसूत्र को निकालकर मुझे दे दो। अब नई नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देखकर खुद भी सदमे से वहीं मर गई, और ये सब घटना जब हो रही थी तो पास ही एक पेड़ के नीचे एक साधु ये सब देख रहा था। साधु ने चोर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य शरीर मिला है, तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो, तुम ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते हो। तब उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, मैं जो लूटपाट करता हूँ वो सारा पैसा मैं अपने परिवार के ऊपर खर्च करता हूँ।
तब उस साधु ने उससे पूछा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप का भागीदार बनता है तो बात अलग होगी। अब उसने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझसे प्रेम करता है, वो सब मेरे पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि ये सब कुछ मैं उनके लिए ही करता हूँ और इस सब का भोग भी तो वो ही करते हैं। साधु ने उससे कहा, हो सकता है ये तुम्हारा भ्रम हो, अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम जाओ और आज अपने परिवार के एक एक सदस्य से उसके हिस्सेदारी के बारे में पूछ लेना कि वो तुम्हारे पाप का कितना कितना भागी होगा। अब उस चोर को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा कि तुम मूर्ख हो, जब वो मेरे साथ सारा समय रहते हैं, मेरी ही चीजों को खाते हैं जो कि चोरी से आई है, तो वो मेरे पाप के भागीदार क्यों नहीं होंगे। लेकिन फिर भी साधु का वो प्रश्न उसके मन में घूमता रहा। अब वो अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचकर उसने अपने सारे परिवार के सदस्यों को एक एक तोहफा दिया, जिसे पाकर परिवार के सारे लोग खुश हो गए। अब उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मैं जो ये पाप करता हूँ, क्या इसके भागीदार आप होंगे। पिता ने उससे कहा, बेटा मेरे खुद के इतने पाप हैं जिनका पछतावा मैं अभी तक कर रहा हूँ, भला मैं तुम्हारे पाप का भागीदार कैसे बन सकता हूँ। मैं तो तुमसे कई बार कर चुका हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने पाप का भागी बन सकता हूँ, तुम्हारे पाप का नहीं। अब अपने पिता की ऐसी बात सुनकर वो चोर अवाक रह गया। अब वो आगे अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया और उसने बारी बारी से अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वो उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वो जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरा करें या किसी भी रूप में करें। हमने कभी भी आपको ऐसा नहीं कहा कि आप जाएं और चोरी करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, वो पूरी तरह से आपका फैसला है, इसलिए इस पाप कर्म से मिलने वाला सारा पाप और उसके भागीदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अब अपने पूरे परिवार का जवाब सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गया और सारी बात साधु को बताई और इनसे ये भी पूछा कि वो अपने पाप को कैसे कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा कि पहले तो सारे बुरे काम बंद कर दो, तुम्हारे पास जो कुछ है तन मन या धन, उन सबसे अच्छाई के काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा पाप धीरे धीरे कम हो जाए और उसके बाद तुम ईश्वर की पूजा और पश्चाताप करना शुरू करो। हालांकि ये एक दिन में कभी नहीं खत्म होता, शायद तुम्हें इसके लिए जन्म जन्म तक अनेक यात्राएं करनी पड़े, लेकिन यदि तुमने प्रायश्चित का भाव अपने मन में रखा तो अनेकों कष्टों को सहते हुए धीरे धीरे तुम्हारे ये पाप एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगे और तुम अपने पुण्यों को इस तरह से बढ़ाते चलो कि धीरे धीरे तुम्हारे किए गए पाप की जो सीमा है, जो अवधि है और जो उनका प्रभाव है, वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि हर पाप के जिम्मेदार हम खुद होंगे। हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे, जिनके लिए हम ये सब पाप कर्म कर रहे हैं, कोई भी उसमें भागीदारी नहीं निभाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर करें, क्योंकि हर आदमी ये तो कह सकता है कि ये तुम्हारे कर्म हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी खुद की भी एक जिम्मेदारी अपने लिए, अपने उस आत्मा के लिए है जिसको लेकर हम इस संसार में अकेले आए हैं। तो इसलिए पाप और पुण्य के भागीदार भी हम खुद हैं, तो क्यों ना ऐसे कर्म करें जिससे हम पुण्य के भागी बने, ना कि पाप।